हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का तरु वाटिका में। हांजी, तरु वाटिका में दोस्तों, मैं कल एक नर्सरी में विजिट करने गई थी, तो वहाँ से मैंने जो शॉपिंग किया है वो मैं आज आपको दिखाऊंगी विद प्राइस विद नेम। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने प्लांट्स दो नर्सरी से लिए थे, एक ग्रीन नेचर और एक का नाम मुझे पता नहीं क्या था। दो नर्सरीज थी आमने सामने, ग्रीन नेचर के सामने ही थे एक्चुअली। तो मैं दोनों के आपको प्राइस और नेम बताती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले ये मैंने ऑर्नामेंटल मिर्ची ली है पर्पल कलर की। ये 50 रुपीज का प्लांट लगाया उन्होंने, और ये अचारी मिर्ची है। ये देखिए, दो मिर्ची लगी भी हुई है और फ्लावरिंग भी अभी है। ये भी 50 रुपीज का लगाया है। और ये टोमेटो का, ये भी 50 रुपीज का लगाया है। छोटे छोटे टोमेटो आए भी हुए हैं इसमें। ये देखिए, ये थैली में है सारे, तो ये 50-50 में उन्होंने लगाए हैं। इसके अलावा कैलेंचो येलो शेड में, ये 140 का बोला था, 100 का लगाया उन्होंने। और इसके साथ एक ये था ऑरेंज कलर का कैलेंचो, मैंने लास्ट ईयर भी लिया था लेकिन वो एक्चुअली ज़्यादा पानी की वजह से ख़त्म हो गया था। तो अब ये मैंने जगह चेंज करके मैं लगाऊंगी। ये ऑरेंज कलर का कैलेंचो है, ये भी 100 का लगाया था, 140 का बोला था उन्होंने। और इसके साथ ही मैंने एक और नर्सरी में विजिट किया था, ग्रीन नेचर नाम से, बहुत बड़ी नर्सरी है, उसकी विजिट भी मैंने आपको दिखाई है इससे पिछली वीडियो में। तो वहाँ से भी मैं प्लांट लेके आई थी। वहाँ से एक तो मैं ये लेके आई, ये देखिए, इनके भी मैं विद प्राइस बताऊँगी आपको। ये पर्ल ऑफ स्ट्रिंग है, बहुत ही हेल्दी प्लांट है। ये उन्होंने 170 का लगाया सकुलेंट, देखने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए इसकी ना पर्ल्स की तरह इसकी जो लीफ है वो है। ये देखिए और क्लोज में, और ये मेरे पास नहीं था पिंक सिंगोनियम, मेरे पास ग्रीन वाले थे, पिंक नहीं था। तो मुझे ये वैरायटी चाहिए थी बहुत दिन से, तो ये उन भैया के पास, मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, ऑर्नामेंटल प्लांट की बहुत ज़्यादा वैरायटी उनके पास। तो ये मैंने लिया था, उन्होंने 80 का बोला था, मुझे 60 का दिया उन्होंने। और एक ये लिया था मैंने फीडल, ये देखिए, ये उन्होंने 300 का बोला था, 280 का लगाया मेरे को। यहाँ इतनी मतलब हाइट है इसकी, अच्छी हाइट है, छोटा प्लांट नहीं है ये। तो ये मेरी शॉपिंग थी दो नर्सरीज से। और मैं तो यही कहूँगी, जो ग्रीन नेचर नर्सरी है, आप वहाँ से अगर आपने ऑर्नामेंटल प्लांट लेने हैं तो आप वहाँ से लीजिए, क्योंकि वो भैया बार्गेनिंग करते हैं तो वो कर देते हैं लेस। और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ अगर आपको पोट चाहिए तो आप पोट भी ले सकते हैं ग्रीन नेचर से। पूरी डिटेल मैंने आपको पिछली उसमें दी है वीडियो में, तो आप वो देखिएगा। और इस नर्सरी का जो नंबर है, मोबाइल नंबर, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है पिछली वीडियो में, नर्सरी विजिट में, तो आप वो देख सकते हैं मेरी वीडियो। तो ये मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हाँ, अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ कीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।